हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेस रिलीज की गई थी, उसके अंदर जो जीएसटी के अंदर क्या अनाउंसमेंट है और कस्टम लॉ के अंदर क्या अनाउंसमेंट्स हैं, उसका एक इनडेप्थ एनालिसिस यहाँ पे आप हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो दो पॉइंट्स हैं वो जीएसटी की जो नो जितनी भी रिटर्न्स हैं जो आपको मार्च में भरनी थी, अप्रैल में भरनी थी या मई में भरनी थी, उनके लिए जो ड्यू डेट का एक्सटेंशन है उसके लिए हमने एनालिसिस करना चाहते हैं, जो कि हमने चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। तो हम चार्ट की तरफ जाना चाहेंगे पहले दो पॉइंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैंड रिटर्न मैंने चार्ट्स बनाया हुआ है। यहाँ पे पहले दो पॉइंट्स में क्या कहा गया है कि जितनी भी आपकी जीएसटी रिटर्न है जो आपको ड्यू है मार्च, अप्रैल और मई में, यानी कि जो फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो रिटर्न्स है, या चाहे आपकी 3B हो, R1 हो, या फिर किसी R7 हो, R8 हो, या जितनी भी रिटर्न्स हैं जो आपकी ड्यू थी मार्च, अप्रैल और मई में, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स, तो उनकी ड्यू डेट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो इनकी ड्यू डेट के लिए यहाँ पे जो मैंने अभी पहले दिखाया था कि इसमें पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है, तो पॉइंट नंबर 1 में जो बताया गया है कि जिन टैक्स पेयर की टर्न ओवर 5 करोड़ तक है, यानी कि 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तो उनके लिए जो फरवरी, मार्च और अप्रैल की जितनी भी जीएसटी रिटर्न्स हैं उनकी ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया लास्ट वीक ऑफ जून 2020, यानी कि जितनी भी रिटर्न्स है तीनों महीने की, ये तीनों महीने की रिटर्न्स आप जून के लास्ट वीक तक भर सकते हैं। इसमें आपको ना तो कोई इंटरेस्ट देना होगा, ना कोई पेनल्टी देनी होगी, ना कोई लेट फीस देनी होगी फाइलिंग के लिए। तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल फ्रीली आप लास्ट वीक तक भर सकते हैं। लास्ट वीक इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो ड्यू डेट्स हैं वो यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में प्रेस्क्राइब की जाएंगी, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया जो स्टैगर्ड मैनर का जो प्रोसीजर यहाँ पे चला हुआ है, जैसे पहले जो स्टैगर्ड मैनर का प्रोसीजर था कि पहले आपको 20 तक भरनी है, फिर 22 तक भरनी है, फिर 24 तक भरनी है, तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर यहाँ पे नोटिफाई किए गए थे, वैसे ही यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ जून के लिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई कर दिए जाएंगे। अब जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया था प्रेस रिलीज के अंदर, वहाँ पे दिया गया था अदर, यदि किसी टैक्स पेयर की जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा है और उनको जो फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न है वो भी लास्ट वीक ऑफ जून तक भर सकते हैं, वहाँ पे उनको कोई भी पेनल्टी और लेट फीस नहीं पे करनी होगी। लेकिन अगर वो जो ड्यू डेट प्रेस्क्राइब लॉ के अंदर, यानी कि फरवरी रिटर्न के लिए 20 मार्च ड्यू डेट प्रेस्क्राइब है, और अगर वो 15 दिन के अंदर, और अगर मतलब एक्स्ट्रा 15 दिन दिए गए हैं उनको, अगर 20 मार्च के बाद अगर वो 15 दिन तक भर देते हैं, यानी कि 4 अप्रैल तक भर देते हैं रिटर्न्स, मान लीजिए फरवरी की रिटर्न भरनी है तो 4 अप्रैल तक भर देते हैं, तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस पे ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। यदि वो जो एडिशनल पीरियड है जो 15 दिन का दिया गया है उस पीरियड के अंदर अगर फाइल कर देते हैं, लेकिन वो जो एडिशनल पीरियड दिया गया है 15 दिन का, अगर उसके अंदर भी वो जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाते हैं तो 15 दिन के बाद से उनको 9% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि पहले 18% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था अंडर सेक्शन 50। तो अब जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा वो 9% देना होगा, वो भी जो ड्यू डेट के 15 दिन ख़त्म होने के बाद अगर आप भरते हैं तभी आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको ना तो कोई इंटरेस्ट देना होगा, ना कोई पेनल्टी, ना कोई लेट फीस। सो ये जो एनालिसिस था ये पहले दो पॉइंट्स का था। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे जो प्रेस रिलीज दी गई थी। यहाँ पे जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जो तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो कंपोजिशन डीलर्स हैं, यानी कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपोजिशन डीलर है, वो जो इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता था, तो उसके लिए जो लास्ट डेट थी 31 मार्च थी, लेकिन अब उस लास्ट डेट को बढ़ा के यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ जून 2020 तक कर दिया गया है। यानी कि जो भी कंपोजिशन डीलर है वो अगर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो 30 जून तक ऑप्ट कर सकते हैं। सो रीड कर लेते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इज एक्सटेंडेड टिल लास्ट वीक ऑफ जून 2020। फर्दर द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग एनी पेमेंट्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर 2019-20 बाय द कंपोजिशन डीलर्स विल बी एक्सटेंडेड टिल लास्ट वीक ऑफ जून। यानी कि जो भी जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का ऑप्शन है वो भी 30 जून तक ले सकते हैं, और जो टैक्सी पेमेंट है जो क्वार्टर आपका ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2020 तक
का उसकी टैक्स की पेमेंट और उसकी रिटर्न्स भी आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, वो अगर ऑप्ट करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए, और जो जितने भी टैक्स पेमेंट ड्यूज है और जितनी भी रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग्स है 31 मार्च के लिए, वो 30 जून तक फाइलिंग हो सकती है। जो नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो जीएसटी एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए है, उसकी एक्सटेंशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट के द्वारा यहाँ पर रिलीफ दी गई है कि डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज ड्यू ऑन 31 मार्च इज एक्सटेंडेड टिल द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। तो यहाँ पे जो 30 जून तक यहाँ पे एक तरह से एक्सटेंड कर दिया गया है जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट को। जो नेक्स्ट जो यहाँ पे जो इनकम टैक्स के अंदर भी दिया गया था कि जितनी भी आपको डॉक्यूमेंट्स ये जीएसटी लॉ के अंदर फाइल करनी है, अगर उनकी ड्यू डेट्स 20 मार्च और 29 जून के बीच में फॉल करती है तो उनकी ड्यू डेट को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगी 30 जून 2020 तक। सो यहाँ पे जो सिक्स पॉइंट दिया गया कि जो भी कवरिंग पॉइंट है जो कि लीगल सर्कुलर्स लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स हैं, जो कि ये जो भी ऊपर जितनी भी अनाउंसमेंट की गई इनको लीगली इफेक्टिव करने के लिए जितनी भी नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर्स की को इशू करने की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे जल्दी इशू करे जाएंगे, जो कि जीएसटी काउंसिल की कंसल्टेशन में होंगे। नेक्स्ट जो सबका विश्वास स्कीम थी जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो स्कीम इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने, उसको भी यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड किया गया है। ये बेसिकली जो स्कीम थी जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनके अंदर अगर कोई डिस्प्यूटेबल मैटर है जाए सर्विस टैक्स या फिर एक्साइज के अंदर अगर आप उनको सेटल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। तो पेमेंट डेट अंडर सबका विश्वास स्कीम सेल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020, नो इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड सेल बी चार्ज इफ पेड बाई 30 जून, यानी कि 30 जून तक अगर आपको कोई पेमेंट करेंगे तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो कस्टम से रिलेटेड है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए हैं कस्टम लॉ के अंदर, कोई खास चेंज नहीं किया गया है। तो कस्टम लॉ के अंदर जो भी कस्टम ऑफिसर्स हैं वो 24/7 कस्टम क्लियरेंस में यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे टिल 30 जून 2020 टू फैसिलिटेट इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स, यानी कि जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए इसलिए 24/7 कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी टिल 30 जून 2020। और जो इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर जो भी जैसे मैंने पीछे रीड किया था कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करनी है रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर उनकी ड्यू डेट्स अगर 20 मार्च और 29 जून के बीच में फॉल करती हैं तो उनकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी 30 जून 2020 तक। तो यहाँ पे जीएसटी और कस्टम के अंदर हमने देखा कि ये चीज़ें यहाँ पर अनाउंस की गई हैं और इनके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।